हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? ठीक हो सारे? तो आज वाला बैंकिंग का टेस्ट डिस्कस करते हैं। आज का जो बैंकिंग का टेस्ट था वो टेस्ट था SKPO3 AHKN। ओवरऑल टेस्ट जो था अच्छा टेस्ट था, आसान था। इसका जो पहला पैसेज था वो पैसेज आई से कि जरूर लंबा जरूर था, 2 पेजेस पे, 1.5 पेज पे जाके पैसेज ख़त्म हुआ। लेकिन पैसेज इतना आसान था कि अगर आप पैसेज को 10 मिनट दे देते तो आप पैसेज में 9 में से आप बहुत इजीली 7 से 8 क्वेश्चंस करेक्ट कर सकते थे। और देखो, फाइनल एग्ज़ाम में अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में अगर हमारे एक पैसेज के अंदर 7 से 8 क्वेश्चन करेक्ट हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी कट ऑफ क्लियर हमने एक पैसेज से कर दी। जब हमारे पास 30 मिनट की टाइमिंग है तो हम कोशिश कर सकते हैं पैसेज उठाने की। देखो, इसके अंदर 2 पैसेज थे, एक पैसेज बड़ा था, एक पैसेज छोटा था। देखो, जनरली क्या होता है कि अगर पैसेज छोटा है तो उसके क्वेश्चंस थोड़े से डिफ़िकल्ट मिलेंगे, और अगर पैसेज बड़ा है तो उसके क्वेश्चन जरूर इजी मिलेंगे। जनरली ये कंसेप्ट बनता है, ठीक है? दूसरी चीज, किसी भी पैसेज को करने से पहले, पैसेज पढ़ने से पहले हमें उसके क्वेश्चंस ही पढ़ने चाहिए। सबसे पहले हमें उसके क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए। क्वेश्चंस किसी भी पैसेज में 2 टाइप के होते हैं। एक क्वेश्चन होते हैं फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, और एक होते हैं इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन वो क्वेश्चंस होते हैं जिनके अंदर डायरेक्ट आंसर नहीं होता, सॉरी, डायरेक्ट आंसर होता है, यानी आपको पैसेज के अंदर डायरेक्ट लिखा हुआ है और वही सेंटेंस के ऊपर उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन बना दिया, ठीक है? और इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जिनके अंदर आपको पूरे पैसेज की अंडरस्टैंडिंग के थ्रू आपको क्वेश्चन का आंसर करना होता है। जो फर्स्ट पैसेज था आज वाले टेस्ट के अंदर, इस टेस्ट का फर्स्ट पैसेज के क्वेश्चंस पढ़ते हैं हम सबसे पहले। कभी भी किसी भी पैसेज को अटेम्प्ट करने से पहले हमें हमें एक यही अप्रोच होनी चाहिए हमारी कि सबसे पहले हम उसके क्वेश्चंस पढ़ें, ठीक है? तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट मेक द राना सिल्वेटिका। राना सिल्वेटिका, देखो R और S जो है कैपिटल लिखा है, तो इससे हमें एक चीज समझ में आनी चाहिए कि ये किसी का नाम है। कह रहा है व्हाट मेक द राना सिल्वेटिका ए बायोलॉजिकल कनंड्रम। कनंड्रम जो वर्ड है इसका मतलब होता है पहेली। तो कह रहे कि राना सिल्वेटिका किस कारण से एक बायोलॉजिकल कनंड्रम है। हमें अभी तो कुछ भी नहीं पता, तो हमें हमें एक चीज़ याद है कि राना सिल्वेटिका नाम का कोई नाम है, हमें बस वो नाम याद रखना है, उससे रिलेटेड कुछ आएगा तो अब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। द स्टोरीज आर इंटरेस्टेड इन द रिवाइवल ऑफ फ्रोजन फ्रॉग्स। द स्टोरीज, देखो अगेन स्टोरीज में एस कैपिटल है, तो एस जो कैपिटल है वो भी किसी का नाम है, यानी स्टोरीज भी किसी का नाम है। कह रहे दे आर इंटरेस्टेड इन रिवाइवल ऑफ फ्रोजन फ्रॉग्स। क्वेश्चन पूछ रहा होगा वाई, है ना? तो ठीक है, देखेंगे जब भी कहीं पे कुछ आएगा फ्रोजन फ्रॉग से रिलेटेड। एज गिवन इन दिस पैसेज, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन कहीं ना कहीं शायद डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एज गिवन इन द पैसेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द कॉमन वुड फ्रॉग एंड ह्यूमंस एट लो टेम्परेचर। जनरली इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ये होते हैं इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें आपको पूरे पैसेज को ध्यान में रख के क्वेश्चन का आंसर करना होता है। द हाई लेवल ऑफ फिब्रिनोजन, आई डोंट नो व्हाट इज दिस फिब्रिनोजन, क्योंकि फर्स्ट लेवल पे हम पढ़ रहे हैं तो हमें नहीं पता कि ये फिब्रिनोजन क्या है। द हाई लेवल ऑफ फिब्रिनोजन इन द लीवर ऑफ फ्रोजन फ्रॉग्स हेल्प्स। ठीक है, फिब्रिनोजन कहीं पे आएगा तो हम इस क्वेश्चन को देखेंगे दोबारा से। अभी तक हमने 3 चीज़ें देख ली, एक देखा राना सिल्वेटिका, दूसरा देखा स्टोरीज, तीसरा देखा फिब्रिनोजन, कुछ ऐसा है, ठीक है? और कहीं ना कहीं फ्रोजन फ्रॉग्स की बात चल रही है, ऊपर वाले पैसेज, ऊपर वाले क्वेश्चन में भी थी, इसमें भी है, तो शायद कुछ ना कुछ उनसे रिलेटेड ही चल रहा होगा। अगला क्वेश्चन है द हाई लेवल ऑफ फिब्रिनोजन
इन द लीवर ऑफ फ्रोजन फ्रॉग्स, अच्छा ये पढ़ लिया, सॉरी अगला पढ़ रहे हैं, वन ऑफ द हर्डल्स इन यूजिंग क्रायोप्रोटेक्टेंट्स, क्रायोप्रोटेक्टेंट्स पता नहीं क्या होता है, जब पैसेज पढ़ेंगे तभी बताऊंगा कि क्या होता है ये। एक्चुअल में चलो बता देता हूँ, क्रायो जो वर्ड है ना, क्रायो इसका मतलब होता है फ्रीज, किसी को जमाना, और प्रोटेक्टेंट हो गया, प्रोटेक्टेंट हो गया प्रोटेक्ट करने वाला, ठीक है, तो फ्रीजिंग से प्रोटेक्ट करने वाला। कह रहा है वन ऑफ द हर्डल्स इन यूजिंग क्रायोप्रोटेक्टेंट्स इज, कह रहा है हर्डल क्या आ रही है क्रायोप्रोटेक्टेंट को यूज़ करने में। फिर कह रहा है रिप वैन विंकल, देखो रिप वैन विंकल भी आर वी एंड डब्ल्यू कैपिटल, इट मीन्स इट इज़ अ नेम ऑफ समथिंग, प्रॉपर नाउन है ये, तो रिप वैन विंकल इज प्रोबेबली समवन हु डैश, आई डोंट नो। आगे पढ़ रहे हैं एल्कर एज इन, एल्कर भी किसी का नाम है, एल्कर एज इनफर्ड फ्रॉम द पैसेज, वो क्या कहना चाह रहा है, वी कैन इन्फर दैट क्रायोप्रोटेक्टेंट केमिकल्स आर दोज दैट, ठीक है क्रायोप्रोटेक्टेंट केमिकल्स कौन से होते हैं, वैसे तो अभी नाम से थोड़ा सा हम समझ पाएंगे लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। द फ्रेज पाई इन द स्काई एज यूज इन द पैसेज फोर मीन्स, ठीक है यहाँ पे पैसेज के अंदर पाई इन द स्काई यूज़ किया है, उसको उसका मीनिंग हमें बताना है, ठीक है पढ़ते हैं पैसेज को, पढ़ते हैं पैसेज को, पढ़ के हम इन क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करेंगे। देखो क्या लिख रहा है, एज फार एज कैन एंड जेनेट स्टोरी आर कंसर्न, देखो जब हम पैसेज पढ़ रहे होंगे ना कई बार हमें ये लगेगा यार स्टोरी की स्पेलिंग गलत है क्या, लेकिन यहाँ पे स्टोरी का एस जो है वो कैपिटल दिया है, इट मीन्स ये किसी का नाम है। कह रहा है एज फार एज कैन एंड जेनेट स्टोरी आर कंसर्न, द मोस्ट इंटरेस्टिंग फ्रॉग इज वन दैट डजंट मूव और ब्रीद एंड हैज़ नो हार्ट बीट और ब्रेन इन एक्टिविटी। कह रहे अगर हम कैन और जेनेट स्टोरी की बात करें तो मोस्ट इंटरेस्टिंग फ्रॉग वो है इज वन दैट डजंट मूव और ब्रीथ, कह रहा है जो ना मूव कर रहा है ना ब्रीथ कर रहा है ना सांस ले रहा है, एंड हैज़ नो हार्ट बीट और ब्रेन इन एक्टिविटी, और जिसमें ब्रेन की भी कोई एक्टिविटी या इनएक्टिविटी नहीं हो रही, ठीक है has no heartbeat or has brain inactivity, ये चीज़ है। फिर क्या लिख रहा है, इन द स्टोरीज बायोकेमिस्ट्री लैब एट कर्लटन यूनिवर्सिटी इन ओटावा, ये भी नाम है किसी का, तो स्टोरी कोई बायोकेमिस्ट्री लैब है, स्टोरीज की कोई बायोकेमिस्ट्री लैब है कर्लटन यूनिवर्सिटी ओटावा के अंदर, द टिपिकल स्टडी सब्जेक्ट इज थ्रोन इन टू एन इंडस्ट्रियल फ्रीज, कह रहे हैं जो वहाँ पे जिस भी चीज़ के ऊपर ये स्टडी कर रहे हैं जो इनका सब्जेक्ट है उसको ये इंडस्ट्रियल फ्रीज के अंदर छोड़ देते हैं, दे कॉल देम फ्रोगी सेल्स, और उसको बोलते हैं फ्रोगी सेल्स, फ्रोगी सेल्स वही है फ्रोग को जनरली जिस चीज़ के अंदर छोड़ा जाता है, थ्रू दो दे आर पार्शियली लिक्विड इनसाइड, हालांकि फिर भी वो इनसाइड से थोड़े से लिक्विड होते हैं, बेसिकली द बॉडी टर्न्स इन टू अ सिरपी मास, कैन स्टोरी सेज, बेसिकली क्या होता है जो बॉडी होती है वो सिरपी मास मतलब एक लिक्विड है, सिरप जैसा बन जाता है, एक गाढ़ा लिक्विड बन जाता है, कैन स्टोरी सेज एज फार एज द फ्रॉग इज कंसर्नड दिस इज नथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, दिस इज नथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, कह रहे हैं अगर फ्रॉग की बात की जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है फ्रॉग के केस में। देखो अभी तक हमें कहानी समझ में आनी शुरू नहीं हुई है, लेकिन हम जैसे जैसे जनरली क्या होता है हम जब स्टार्टिंग में पढ़ना स्टार्ट करते हैं कई बार हमारे साथ ऐसा हो सकता है कि हमें क्या पैसेज के अंदर कहना चाह रहा है हमें समझ में ना आए, लेकिन धीरे धीरे जब हम पैसेज में आगे बढ़ेंगे तो हमें शायद समझ में आने लग जाएगा कि पैसेज क्या कहना चाह रहा है, ठीक है अभी तक बस हमें कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है स्टोरीज नाम की, कोई स्टोरीज की कोई लैब है उस लैब के अंदर, लाइक अ हैंडफुल ऑफ अदर क्रिएचर्स द कॉमन वुड फ्रॉग राना सिल्वेटिका, द कॉमन वुड फ्रॉग राना सिल्वेटिका, राना सिल्वेटिका नाम आते ही हमें एक चीज़ याद आनी चाहिए कि राना सिल्वेटिका क्या था, किसको हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ही कहीं पे लिखा था राना सिल्वेटिका, और उसी के बारे में यहाँ पे लिख रहा है, कह रहा है लाइक अ हैंडफुल ऑफ अदर क्रिएचर्स द कॉमन वुड फ्रॉग, वुड फ्रॉग है राना सिल्वेटिका यानी एक फ्रॉग की टाइप है जिसको नाम दिया गया है राना सिल्वेटिका इज अ बायोलॉजिकल कनंड्रम, शायद क्वेश्चन भी यही था कि वो एक बायोलॉजिकल कनंड्रम क्यों है, ठीक है एक बायोलॉजिकल पहेली क्यों है, इट स्पेंड्स इट्स विंटर इंटर्न्ड इन सब जीरो स्लीप, इट स्पेंड्स इट्स विंटर्स इंटर्न्ड इन सब जीरो स्लीप, इंटर्न का मतलब होता है अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेना, कन्फाइन कर लेना, ठीक है तो विंटर में
ये क्या करता है, ये जो राना सिल्वेटा नाम का फ्रॉग होता है, ये अपने आप को ये सो जाता है, और कैसी स्लीप होता है, सब ज़ीरो। सब ज़ीरो जो वर्ड है इसका मतलब होता है अंडर ज़ीरो, यानी कि टेम्परेचर जो है वो अंडर ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है, इट्स टिश्यूज स्टिल रिजिड, इसके टिश्यूज जो हैं बिल्कुल रिजिड हो जाते हैं, एंड रिवाइव्स इन द स्प्रिंग रेयरिंग टू गो, सर्दियों में ये सो जाता है लेकिन फिर जब स्प्रिंग आती है, दोबारा से बसंत आती है, तो ये रिवाइव हो जाता है, दोबारा से जी जाता है, रेयरिंग टू गो। रेयरिंग टू गो का मतलब होता है ईगर टू मूव, तो मूव करने लग जाता है। इट इज़ द रैप विन विंकल ऑफ एनिमल वर्ल्ड, ये जो है रिप वैन विंकल है एनिमल वर्ल्ड का। द स्टोरीज हैव स्पेंट मोर देन 20 ईयर्स आइडेंटिफाइंग द जेनेटिक स्विचेस एंड बायोकेमिकल प्रोसेसेस दैट मेक द री एनिमेशन पॉसिबल। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है स्टोरीज जो हैं उन्होंने बहुत कोशिश की है, 20 ईयर्स से ज़्यादा कोशिश की है इन जेनेटिक स्विचेस को निकालने की और बायोकेमिकल प्रोसेसेस को देखने की, कि जिसके कारण से ये री एनिमेशन पॉसिबल होता है। री एनिमेशन का मतलब होता है रिवाइवल, री एनिमेशन का मतलब होता है री माने दोबारा, एनिम माने लाइफ, एनिमल होता है रिलेटेड टू लाइफ, री एनिमेशन होता है दोबारा से लाइफ डालने की प्रोसेस, रीबर्थ। तो कह रहा है कि इन्होंने कोशिश की है इस चीज़ को पढ़ने की कि किस कारण से ये चीज़ें वापस आती हैं, तो कहीं ना कहीं कनंड्रम शायद ये है कि ये जो है जो फ्रॉग है ये विंटर के अंदर तो सो जाता है, और सोता भी ऐसे है कि इसका ब्रेन, ऊपर लिखा था कहीं पे देखो, ब्रेन जो है वो इनएक्टिव हो जाता है, एक सेकेंड, तो ऊपर लिखा भी है कि इसका ब्रेन जो है वो इनएक्टिव हो जाता है, हार्ट बीट बंद हो जाती है, यानी कि कहीं ना कहीं ये अपने आप को डेड कर लेता है, लेकिन ये रिवाइव हो जाता है, दोबारा से जीने लगता है जब स्प्रिंग आती है। तो शायद यही तो कनंड्रम है। एक बार हम क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन के अंदर ऑप्शंस क्या थे। व्हाट मेक द रैना सिल्वेटिका ए बायोलॉजिकल कनंड्रम, कह रहे कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके कारण रैना सिल्वेटिका जो है, जो वुड फ्रॉग है, वो एक बायोलॉजिकल कनंड्रम बनती है। ऑप्शंस देखें, फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है इट्स एबिलिटी टू कैरी ऑन मेटाबॉलिक एक्टिविटी एट फ्रीजिंग टेम्परेचर्स, अभी हमें नहीं पता कुछ ऐसा है या नहीं, री एनिमेशन आफ्टर ए पीरियड विदाउट हार्ट बीट एंड ब्रेन एक्टिविटी, जब ब्रेन भी एक्टिव नहीं था और उसके बाद भी ये क्या हो गया, हार्ट बीट भी नहीं चल रही थी और उसके बावजूद भी ये जीने लगा है। ठीक है, इट्स एबिलिटी टू सर्वाइव ऑन नेग्लिजिबल ऑक्सीजन एंड एनर्जी, अभी तक ऐसी तो कोई बात नहीं है। The ability to suspend vital metabolic activity at will, ठीक है, पता नहीं, लेकिन मुझे अभी एक बारी को ये लग सकता है, मैं अभी इसको क्वेश्चन को आंसर नहीं करने वाला, बस एक बारी थोड़ा सा माइंड मेकअप किया है कि शायद सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर हो सकता है। और एक क्वेश्चन और आया था ना अभी, इसमें नाम आया था हमारे पास एक, और वो क्वेश्चन भी था विन वैन, क्या नाम था, अभी क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा सिक्स क्वेश्चन, देखो रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल इज प्रोबेबली समवन हु डाइड इन स्लीप, कैन स्लीप फॉर एज लॉन्ग एज ही लाइक्स, वोक अप आफ्टर ए लॉन्ग स्लीप, आउटस्मार्ट्स एडवर्स कंडीशंस। देखो हम वापस चल रहे हैं हमारे पैसेज के ऊपर, हमारा पैसेज हमें बता रहा था, कह रहे इट स्पेंड्स इट्स विंटर्स इंटेंटेड इंटर्न्ड इन सब जीरो स्लीप, कह रहे अपनी विंटर जो है, अपनी विंटर को ये बिल्कुल सब जीरो, सब जीरो मतलब जीरो से भी अंडर टेम्परेचर वाली स्लीप में सो जाता है ये। इट्स टिश्यूज स्टील रिजिड एंड रिवाइव्स इन द स्प्रिंग रेयरिंग टू गो, यानी कि ये बिल्कुल डेड जैसा हो जाता है और स्प्रिंग में जीवित हो जाता है। ठीक है, इट इज़ द रिप वैन विंकल ऑफ द एनिमल वर्ल्ड, एनिमल वर्ल्ड का ये रिप वैन विंकल है। अब ये जो रिप वैन विंकल है, ये जो रिप वैन विंकल है, तो शायद ये भी तो कुछ ऐसा ही होगा कि ये भी सो गया होगा और जागा नहीं होगा, कुछ ऐसा सिस्टम होगा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, रिप वैन विंकल एक स्टोरी है रिप वैन विंकल नाम की, और इस स्टोरी में क्या है कि ये रिप वैन विंकल नाम का एक पर्सन था जो एक गेम खेलने के बाद और बहुत ज़्यादा पीने के बाद सो गया था, और उस स्टोरी के अकॉर्डिंग वो 20 साल बाद उठा था, और जब वो 20 साल बाद उठा था तो उसके बूढ़ा हो चुका था वो, तो उसी सब स्टोरी के बारे में है रिप वैन विंकल। ठीक है, तो
ठीक है, अभी बाकी हम आगे पढ़ते हैं इसको। द स्टोरीज हैव स्पेंट, अब ये स्टोरीज वो स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी यही वाले हैं, कैन एंड जेनेट स्टोरी। द स्टोरीज हैव स्पेंट मोर देन 20 ईयर्स आइडेंटिफाइंग द जेनेटिक स्विचेस एंड बायोकेमिकल प्रोसेसेस दैट मेक दिस रीएनिमेशन पॉसिबल। कह रहे हैं कि वो यही इस चीज़ को जांचने की कोशिश कर रहे हैं कि ये रीएनिमेशन किस कारण से पॉसिबल हो पाती है। देयर वर्क हैज़ बीन एविडली फॉलोड बाय बायोलॉजिस्ट इन द फील्ड ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। इफ ए डोनर्स हार्ट और किडनी कुड बी फ्रोजन एंड स्टोर्ड विदाउट डैमेज, फिजिशियंस कुड ड्रामेटिकली इंक्रीज द नंबर ऑफ ट्रांसप्लांट्स दे परफॉर्म। कह रहे कि जो स्टोरीज हैं उन्होंने 20 साल से भी ज़्यादा स्पेंड किए हैं, और इनका जो वर्क है उसको बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे बायोलॉजिस्ट जो हैं वो एविडली इसको फॉलो कर रहे हैं, ईगरली इस चीज़ को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इन द फील्ड ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लिख रहा है इफ़ ए डोनर्स हार्ट और किडनी कुड बी फ्रोजन। अगर हम एक डोनर के हार्ट को, मतलब डोनर मतलब दान देने वाला, अगर हम एक डोनर के हार्ट को किडनी को फ्रोजन करके और स्टोर करके विदाउट डैमेज अगर हम रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, तो फिजिशियंस कुड ड्रामेटिकली इंक्रीज द नंबर ऑफ ट्रांसप्लांट्स दे परफॉर्म। तो जितने ट्रांसप्लांट्स होते हैं, मान लो किसी ने, आज मैं सोच लूँ कि मेरी डेथ के बाद मेरे हार्ट को मैं दान करना चाहता हूँ, मेरी बॉडी के पार्ट्स को मैं दान करना चाहता हूँ, तो अगर मैं ऐसा बोल के जाऊँ और फिजिशियंस जो हैं मेरी बॉडी को स्टोर करके रख लें, तो कल को अगर किसी को हार्ट की ज़रूरत हो, हार्ट ट्रांसप्लांट की, तो ये हार्ट ट्रांसप्लांट किया जा सकता है अगर ऐसे हार्ट को सेफ रखा जा सके, स्टोर रखा जा सके। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए इसी चीज़ को फॉलो किया जा रहा है। द फैक्ट दैट ए वुड फ्रॉग कैन नियरली कम बैक फ्रॉम द डेड हैज़ ऑल्सो फैंड द फ्यूचरिस्टिक फैंटेसीज पेडल्ड बाय कमर्शियल क्रायोनिक्स लैब्स वेयर ह्यूमन कॉप्सिस आर केप्ट ऑन आइस इन द वेन होप दैट मेडिकल साइंस माइट वन डे रिस्टोर देम टू लाइफ। कह रहे हैं ये जो फैक्ट है दैट ए वुड फ्रॉग कैन नियरली कम बैक फ्रॉम द डेड, मतलब जो वुड फ्रॉग है ये लगभग मरा हुआ होता है और वापिस आ जाता हैज़ ऑल्सो फैंड द फ्यूचरिस्टिक फैंटेसीज। तो इसके कारण फ्यूचर के बारे में फैंटेसीज, फैंटेसीज होती हैं इमेजिनेशन, इमेजिनेशन जो हैं वो फैंड हो चुकी हैं, इंटेंसीफाई हो चुकी हैं, वो बढ़ चुकी हैं। ठीक है, क्या और कौन कौन कर रहा है इनको, कौन पैडल कर रहा है, पैडल का मतलब होता है स्प्रेड करना, पैडल्ड बाय कमर्शियल क्रायोनिक्स लैब्स। जो कमर्शियल क्रायोनिक्स लैब्स हैं, क्रायोनिक मैंने अभी वर्ड बताया था, क्रायो का मतलब होता है रिलेटेड टू आइस, रिलेटेड टू फ्रीज, तो क्रायोनिक लैब्स होती हैं जहाँ पे इंडस्ट्रियल फ्रीजेज लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं वेयर ह्यूमन कॉर्पसेस आर कैप्ट ऑन आइस, जहाँ पे ह्यूमन कॉर्प्स, कॉर्प्स का मतलब होता है डेड बॉडी, जहाँ पे ह्यूमन डेड बॉडीज को आइस के ऊपर रखा जाता है इन द वेन होप, इन द वेन होप। अभी वेन जो वर्ड है, आप शायद वो कहानी सुनी होगी द ग्रेप्स आर सोर, तो उस कहानी में भी यही लिखा था, बट ऑल वेंट इन वेन, द फॉक्स ट्राइड अलॉट बट ऑल वेंट इन वेन, इन वेन का मतलब होता है अनसक्सेसफुल। तो अभी तो एक वेन होप है, अनसक्सेसफुल हेप है कि होप है कि मेडिकल साइंस माइट वन डे रिस्टोर देम टू लाइफ, कि जो डेड बॉडीज रखी हुई हैं उनमें दोबारा से मेडिकल साइंस जो है लाइफ डाल देगी। आगे क्या लिख रहा है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स, हम लोग जो हैं हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स आर डिजाइन टू स्टे एट अ नियर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर 98.6 डिग्रीज फ़ारेनहाइट इन द केस ऑफ ह्यूमन्स। कह रहे हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो होते हैं उन, वो जनरली एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे रहते हैं, ह्यूमन का केस बता रहा है कि हमारा जो टेम्परेचर जनरली बॉडी का रहता है दैट इज़ 98.6 फ़ारेनहाइट इन द केस ऑफ ह्यूमन्स। वेन दे स्टार्ट टू गेट कोल्ड देयर मेटाबोलिज्म रेव्स अप, रेव अप का मतलब होता है रिवाइव अप, मतलब एक्टिव हो जाना। वेन दे स्टार्ट टू गेट कोल्ड, जब हमारी बॉडी कोल्ड होना स्टार्ट करती है तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो रेव अप हो जाता है, जनरेटिंग इंटरनल हीट, जिसके कारण इंटरनल हीट पैदा होती है। वंस दिस सिस्टम ब्रेक्स डाउन एंड द एनिमल्स फ्रीज सॉलिड द आइस टीयर्स अप देयर इनसाइड्स। कह रहे हैं अगर ये सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाए, ये मेटाबॉलिज्म वाला सिस्टम है ये ब्रेक डाउन हो जाए, ये ख़राब हो जाए, तो एनिमल्स फ्रीज सॉलिड, हमारा जो अंदर वाला सिस्टम है वो सॉलिड हो जाएगा, एंड आइस टीयर्स अप देयर इनसाइड, और आइस जो है हमारी अंदर की बॉडी को टीयर अप कर देगी, टीयर अप का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना,
टीयर अप कर देगी, द वाटर इन देयर सेल्स एक्सपेंड्स एज इट फ्रीजेज, और जो हमारे अंदर का जो वाटर है वो एक्सपेंड करेगा जब ये फ्रीज होगा। श्रेडिंग मेम्ब्रेन्स, श्रेड का मतलब भी होता है टीयर अप, टू कट, टू डिस्ट्रॉय, मेम्ब्रेन्स जो हैं वो कट हो जाएंगी, एंड टू डिसलोज ऑर्गेनल्स, एंड डिसलोजिंग ऑर्गेनल्स, डिसलोजिंग जो वर्ड है इसका मतलब भी होता है टू रिमूव, टू डिस्ट्रॉय, तो हमारे ऑर्गेनल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ऑर्गेनल्स होते हैं अंदर बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं। वुड फ्रॉग्स एंड ए फ्यू अदर एनिमल्स सच एज बॉक्स टर्टल्स डू एग्जैक्टली द ऑपोजिट। देखो हमारी बॉडी में तो क्या होता है कि अगर टेम्परेचर डाउन होता है तो हमारी बॉडी क्या इंटरनल मेटाबोलिज्म हीट जनरेट करता है, लेकिन अगर मेटाबोलिज्म हीट जनरेट करना बंद कर दे तो हमारी बॉडी का जो इंटरनल सिस्टम है वो सारा फ्रीज हो जाएगा और ऑर्गेनल्स जो हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन वुड फ्रॉग्स एंड अ फ्यू अदर एनिमल्स सच एज बॉक्स टर्टल्स डू एग्जैक्टली द ऑपोजिट। लेकिन जो वुड फ्रॉग हैं और कुछ और एनिमल्स जो हैं वो एग्जैक्टली ऑपोजिट करते हैं। व्हेन टेम्परेचर्स ड्रॉप बिलो फ्रीजिंग, कह रहे जब टेम्परेचर्स जो हैं फ्रीजिंग से भी नीचे आ जाते हैं, द फ्रॉग्स मेटाबोलिज्म इजीज टू ए नियर हाल्ट, जो फ्रॉग का जो मेटाबॉलिज्म है वो बिल्कुल रुक जाता है, लगभग रुक जाता है। सो इट्स सेल्स कैन सर्वाइव ऑन नेगलिजिबल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड एनर्जी, तो इसकी जो सेल्स हैं वो ना के बराबर ऑक्सीजन और एनर्जी रहे तब भी सर्वाइव कर सकती है। हमारा मेटाबॉलिज्म रुकता नहीं है लेकिन इसका मेटाबॉलिज्म रुक जाता है। हमारा मेटाबॉलिज्म तो टेम्परेचर कम होने पर तेज होता है, ठीक है ना, लेकिन इसका मेटाबॉलिज्म टेम्परेचर कम होने पर बिल्कुल रुक जाता है। फिर क्या लिख रहा है, Meanwhile, the liver begins to pump out glucose, raising concentration in the bloodstream to more than 50 times those found in a human diabetic. Ice crystallizing in the frog's body cavities draw some of the water from the cells in the flesh and organs. कह रहे मीनवाइल द लीवर बिगिंस टू पंप आउट ग्लूकोज, लीवर जो है इस दौरान ग्लूकोज बाहर निकालना शुरू कर देता है, रेजिंग कंसंट्रेशन इन द ब्लड स्ट्रीम। अब ब्लड के अंदर अगर ग्लूकोज मिलती है तो उसकी कंसंट्रेशन जो है वो ऊपर, उसने वो वर्ड यूज़ किया था कि ये एक थिक मास सा बन जाता है, ठीक है ना, तो उस वो ब्लड के अंदर अब शुगर मिक्स होना स्टार्ट हो जाती है टू मोर देन 50 टाइम्स दोज फाउंड इन अ ह्यूमन डायबिटिक। हमारी बॉडी के अंदर जितनी शुगर होती है उससे 50 गुना ज़्यादा उसका बॉडी का, उसका जो 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 ब्लड होता है वो उतना ज़्यादा थिक हो जाता है। आइस क्रिस्टलाइजिंग इन द फ्रॉग्स बॉडी कैविटीज ड्रॉ सम ऑफ द वाटर फ्रॉम द सेल्स इन द फ्लैश एंड ऑर्गन्स। आइस के जो क्रिस्टल होते हैं फ्रॉग बॉडी के कैविटीज़ के अंदर, कैविटी जो वर्ड होता है, कैविटी का मतलब होता है स्पेस, तो उस स्पेस के अंदर जो कुछ क्रिस्टल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ड्रो सम ऑफ द वाटर फ्रॉम द सेल्स इन द फ्लैश, तो बॉडी के जो फ्लैश होती है मीट बॉडी, तो उसके बॉडी के सेल्स में से जो पानी होता है वो अंदर ले लेते हैं एंड ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स में से भी पानी अंदर चला जाता है। दिस फर्दर कंसंट्रेट्स ग्लूकोज इनसाइड द सेल्स, तो पानी हो गया, ब्लड हो गया और ग्लूकोज हो गया, तीनों आपस में मिक्स हो जाते हैं, टर्निंग इट इंटू एन एंटी फ्रीज दैट कीप्स द रिमेनिंग वाटर फ्रॉम सॉलिडिफाइंग, जिसके कारण क्या होता है कि एक एंटी फ्रीज बन जाता है अंदर ही, जिसके कारण वाटर जो है वो सॉलिडिफाई नहीं हो पाता। कमर्शियल एंटी फ्रीज इज मेड ऑफ अ शुगर अल्कोहल सिमिलर टू ग्लूकोज कॉल्ड एथिलीन ग्लाइकोल। कमर्शियल एंटी फ्रीज जो होते हैं, एंटी फ्रीज होता है जिसमें फ्रीज ना होने दे किसी चीज़ को, ठीक है, तो कमर्शियल एंटी फ्रीज जो होते हैं वो भी, उसके अंदर भी कुछ ऐसा शुगर अल्कोहल डलता है जिसका नाम होता है एथिलीन ग्लाइकोल, तो ये एथिलीन ग्लाइकोल मेंढक की फ्रॉग की बॉडी के अंदर अपने आप बन जाता है। विद द एंटी फ्रीज इन इट्स सेल्स ए फ्रॉग कैन रिमेन इन ए टॉर्पिड स्टेट अंटिल स्प्रिंग। टॉर्पिड होती है, टॉर्पिड वर्ड का मतलब होता है मेंटली और फिजिकली इनएक्टिव, तो एंटी फ्रीज इसकी सेल्स के अंदर चला जाता है जिसके कारण ये एक इनएक्टिव वाली स्टेट के अंदर पड़ा रहता है अनटिल स्ट्रिल स्प्रिंग, जब तक स्प्रिंग नहीं आती है। व्हेन इट्स मेटाबॉलिज्म वर्ल्स बैक टू लाइफ, और जब स्प्रिंग आती है तो इसका मेटाबॉलिज्म वर्ल्स बैक, वर्ल बैक का मतलब होता है टू मूव बैक, वर्ल का वैसे मतलब होता है सर्कुलर, वर्ल पूल वर्ड सुना होगा सबने, वर्ल पूल वर्ड इसी से गया है, वर्ल्स का मतलब हो जाता है टू मूव, तो वापस से ये लाइफ में आ जाता है। इट गोज़ ब्रेन डेड फॉर अ फ्यू मंथ्स देन हैज़ लिटल फ्रोगी थॉट्स अगेन कैन सीज, तो कैन कहता है इट गोज़ ब्रेन डेड, इसका ब्रेन बिल्कुल डेड हो जाता है फॉर अ फ्यू मंथ्स, लेकिन देन हैज़ लिटल फ्रोगी थॉट्स,
अगेन। फ्रोगी थॉट्स मतलब कि फ्रोग जैसा काम करना फिर से स्टार्ट कर देता है। तो अभी तक जो पैसेज था वो यही बताना चाह रहा है कि ह्यूमन बॉडी जो है वो ऐसी नहीं है। जब हमारे अंदर का टेम्परेचर अगर फ्रीज हो जाए, हम एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे रह सकते हैं, अगर फ्रीज हो जाए तो हम जीवित नहीं रह सकते, लेकिन फ्रोग के केस में उल्टा है। When the stories compared the levers of frozen wood frogs to those of control frogs in a normal state, they also found unusually high levels of messenger RNA molecules that code for fibrinogen, a clot enhancing protein. Fibrinogen नाम का भी एक कुछ क्वेश्चन आया था, ठीक है ना? उस क्वेश्चन को भी हम एक बारी अभी दोबारा देखेंगे कि वो क्वेश्चन क्या था। पढ़ लेते हैं पहले इसको। कह रहे हैं व्हेन द स्टोरीज कंपेयर्ड द लीवर्स ऑफ फ्रोजन वुड फ्रॉग्स टू दोज ऑफ कंट्रोल फ्रॉग्स इन ए नॉर्मल स्टेट। कह रहे हैं कि जब स्टोरीज ने फ्रोजन वुड फ्रॉग और कंट्रोल फ्रॉग, जिनको नॉर्मल स्टेट में रखा गया था कंट्रोल टेम्परेचर के अंदर, इन दोनों के लीवर्स को कंपेयर करने की कोशिश की, दे ऑल्सो फाउंड अनयूजुअली हाई लेवल्स ऑफ मैसेंजर आर एन ए मोलिक्यूल्स दैट कोड फॉर फिब्रिनोजन ए क्लोट एनहांसिंग प्रोटीन। तो उनके अंदर हाई लेवल मिला, अनयूजुअली हाई लेवल मिला मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल का दैट कोड फॉर फिब्रिनोजोन ए क्लोट एनहांसिंग प्रोटीन। जो फिब्रिनोजोन है वो क्लोट को एनहांस करता है, एक प्रोटीन है जो क्लोट को एनहांस करता है। वंस एक्टिवेटेड बाय एन एंजाइम इन द ब्लड स्ट्रीम फ्रेगमेंट्स ऑफ फिब्रिनोजोन बाइंड टूगेदर इंटू ए स्टर्डी लैटिस। कह रहे हैं एक बार जब ये एक्टिव हो जाता है, कि ये एंजाइम इसको एक्टिव कर देता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर, जो फ्रेगमेंट्स हैं फिब्रिनोजोन के वो अपने आप को टुगेदर बाइंड करते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं इनटू ए स्टर्डी लैटिस। स्टर्डी जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है स्ट्रोंग, और लैटिस होता है ग्रिड। तो ये अपने आप को एक तगड़ा ग्रिड बना लेते हैं, सीलिंग एनी लीक्स दैट हैव फॉर्म्ड इन ब्लड वेसल्स वॉल्स ड्यू टू द स्ट्रेस ऑफ फ्रीज थॉ साइकिल। सीलिंग एनी लीक्स दैट हैव फॉर्म्ड इन ब्लड वेसल्स, कोई भी अगर लीक हो रहा हो ना ब्लड वेसल्स के अंदर, उसको सील कर देते हैं, इतना मतलब थिक हो जाते हैं ये, ड्यू टू द स्ट्रेस ऑफ फ्रीज थॉ साइकिल। फ्रीज होना और थॉ होता है पिघलना, तो जमने और पिघलने वाली साइकिल के अंदर अगर ब्लड वेसल्स के अंदर कोई भी मोरा हो गया हो, कोई सील हो गई हो, कोई 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 भी होल हो गया हो, तो उसको ये सील कर देता है। बोरिस रूबिन्स्की, एन इंजीनियर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट बर्कले, हैज़ वर्कड विद अ नंबर ऑफ साइंटिस्ट टू अप्लाई द स्टोरीज फाइंडिंग टू अदर एनिमल्स। अच्छा, उसकी कहानी ख़त्म हो गई। एक बारी वो हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन क्या था, ये फिब्रिनोजन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, एक बारी देख लेते हैं। हैज़ फॉलोइंग नोट ए पॉइंट हाई लेवल ऑफ फिब्रिनोजन इन द लीवर ऑफ फ्रोजन फ्रॉग्स हेल्प्स। किस चीज़ में हेल्प करता है? इन प्रिवेंटिंग ब्लड क्लॉट्स। ब्लड क्लॉट्स को प्रिवेंट नहीं कर रहा। देखो क्या लिखा था इसके अंदर, साफ लिखा था यहाँ पे कि ये देखो यहाँ पे लिखा है क्लॉट एनहांसिंग प्रोटीन, ठीक है ना? हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के ऑप्शन में दिया है इन प्रिवेंटिंग ब्लड क्लॉट्स ना, ये तो एनहांस करता है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन देखो, इन कीपिंग ब्लड वेसल्स इंटैक्ट। इंटैक्ट का मतलब होता है एज इट इज़, कि इसको कोई प्रॉब्लम ना आए, अनटच्ड। तो ब्लड वेसल्स को एज इट इज़ रखता है, शायद ऐसा हो सकता है। इन मेंटेनिंग द ब्लड इन लिक्विड स्टेट, ब्लड को लिक्विड स्टेट में नहीं रखता, क्लॉट्स बना देता है ये तो। इन कीपिंग द फ्रॉग अलाइव, यस कीपिंग द फ्रॉग अलाइव भी हेल्प करता है, लेकिन मेन जो काम है इसका है इन कीपिंग ब्लड वेसल्स इंटैक्ट। फोर्थ क्वेश्चन का हमें आंसर मिल चुका है, दैट इज सेकंड, ठीक है। वापस चलते हैं हमारे पैसेज के ऊपर। बोरिस रूबिन्स्की, एन इंजीनियर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट द बर्कले, हैज वर्कड विद ए नंबर ऑफ साइंटिस्ट टू अप्लाई द स्टोरीज फाइंडिंग्स टू अदर एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन। कह रहे बोरिस रूबिन्स्की नाम का कोई बंदा है जिसने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले के अंदर हमारी ह्यूमन बॉडीज़ के ऊपर और अदर एनिमल्स के ऊपर इस स्टोरी की फाइंडिंग्स को अप्लाई करने की कोशिश की है। इन 1999 रूबिन्स्की एंड हिज कलीग्स यूज्ड ए कंप्यूटर कंट्रोल्ड पंप टू इन्फ्यूज रैट लीवर्स विद ए कॉकटेल ऑफ क्रायोप्रोटेक्टिव केमिकल्स।
कह रहे 1999 में रुबिंस्की और उसके कलीग्स ने क्या किया, एक कंप्यूटर कंट्रोल पंप लेके आए ये, और उससे रैट के लीवर्स को क्रायो प्रोटेक्टिव केमिकल्स से क्या कर दिया, इन्फ्यूज़ कर दिया। इन्फ्यूज़ होता है किसी के अंदर कुछ डालना। ही फ्रोज द लीवर्स एट 29.3 डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर अबाउट 2 आवर्स आफ्टर रिसीविंग द डोनर ऑर्गन्स। उसने लीवर्स को फ्रोज किया 29.3 डिग्री फ़ारेनहाइट पे फॉर अबाउट 2 आवर्स आफ्टर रिसीविंग द डोनर ऑर्गन्स एंड वन सर्वाइव्ड फॉर 5 डेज। तो और उनमें से एक जो था 5 दिन तक सर्वाइव कर गया, सजेस्टिंग दैट द लीवर्स वर एटलीस्ट पार्शियली फंक्शनिंग। यानी कि उसने लीवर को फ्रोज कर दिया और 5 दिन तक लीवर बना रहा, यानी कि इससे एक चीज़ तो मिली कि लीवर जो है ना पार्शियली तो वर्क कर रहा था। सिंस दैट लैंडमार्क ट्रायल रुबिंस्की एंड रिसर्चर्स एट द शेबा सेंटर इन, ये नाम है तहला सोमर, इसराइल हैव अप्लाइड सिमिलर फ्रीजिंग टेक्निक्स टू फ्रोजन रैट हार्ट्स। तो तब से लेके अभी तक उन्होंने कई बारी इसराइल के अंदर भी यही सिमिलर फ्रीजिंग टेक्निक्स अपनाई हैं फ्रोजन रैट हार्ट्स पे। इन ए 2003 एक्सपेरिमेंट द हार्ट्स रिमेंड वाइबल एंड पम्पिंग फॉर मोर देन एन आवर आफ्टर बींग थॉड एंड ट्रांसप्लांटेड। और 2003 का एक्सपेरिमेंट था जिसके अंदर ये जो हार्ट्स थे ये वाइबल रहे, वाइबल होता है लाइक फिजिबल पॉसिबल, तो बने रहे एंड पंपिंग मोर देन एन आवर आफ्टर बीइंग थॉड एंड ट्रांसप्लांटेड। 1 घंटे तक ये पंप करता रहा, हार्ट जो था हार्ट बीट चलती रही आफ्टर बीइंग थॉड एंड ट्रांसप्लांटेड। 1 घंटे तक जब इसको थॉ कर दिया गया था, पिघाल दिया गया था और ट्रांसप्लांट कर दिया था तब भी ये जीवित रहा। क्रायो प्रिजर्विंग ऑर्गन्स कुड वन डे रेवोल्यूशनाइज बट सम साइंटिस्ट हैव देयर आईज ऑन एन इवन लार्जर प्राइस। कह रहे क्रायो प्रिजर्विंग ऑर्गन्स जो हैं, क्रायो प्रिजर्विंग ऑर्गन्स हो गए मतलब जिनको फ्रीज करके जिनको रखा गया हो, इट कुड वन डे रेवोल्यूशनाइज, एक दिन ये रेवोल्यूशन बन सकते हैं, एक बड़ी क्रांति ला सकते हैं, बट सम साइंटिस्ट हैव देयर आईज ऑन एन इवन लार्जर प्राइस। लेकिन कुछ लोग तो, कुछ साइंटिस्ट तो इससे भी बड़ा सोच रहे हैं, फ्रीजिंग एंटायर ह्यूमन बॉडीज, वो सोच रहे हैं कि पूरी ह्यूमन बॉडी को ही फ्रीज कर दिया जाए। एल्कर्स गोल, एल्कर अब किसी का नाम है, ट्रम्पटेड ऑन इट्स वेबसाइट। जो एल्कर का जो गोल है जो इसकी वेबसाइट के ऊपर ट्रम्पेट किया गया, ट्रम्पेट का मतलब होता है बाजा बजाना, मतलब इन्होंने जिस चीज़ को अनाउंस किया, क्या अनाउंस किया इन्होंने, ट्रम्पटेड ऑन इट्स वेबसाइट इज टू कीप डिसीज्ड कस्टमर्स। डिसीज्ड जो वर्ड है, डिसीज्ड का मतलब होता है डेड, डेड। तो इनका मेन गोल है इज टू कीप डिसीज्ड कस्टमर्स इन अ स्टेट दैट विल बी रिगार्डेड एज वाइबल एंड ट्रीटेबल बाय फ्यूचर मेडिसिंस। तो ये क्या चाहते हैं कि ये डिसीज कस्टमर को, मृत कस्टमर्स को एक ऐसी स्टेट में रखेंगे जिसको बाद में वाइबल, जिसको बाद में वाइबल माना जाएगा और ट्रीटेबल बाय फ्यूचर मेडिसिन, फ्यूचर में उनको मेडिसिन से ट्रीट किया जा सकता है। मोस्ट क्रायो बायोलॉजिस्ट डिराइड दिस एज ए पाई इन द स्काई एंटरप्राइज। बहुत सारे क्रायो बायोलॉजिस्ट जो हैं, क्रायो बायोलॉजी होती है यही जो फ्रीजिंग वाली लाइफ से रिलेटेड जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं क्रायो बायोलॉजी। तो क्रायो बायोलॉजिस्ट जो है ना उसको डिराइड कर रहे हैं, डिराइड का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी का मजाक उड़ाना, टोंट करना, तो वो डिराइड कर रहे हैं इसको कि दिस इज़ अ पाई इन द स्काई एंटरप्राइज। भाई इसकी जो कंपनी है ना, इसका जो एंडेवर है वो पाई इन द स्काई है। पाई इन द स्काई जो है इसका मतलब होता है काइंड ऑफ डे ड्रीम, जो चीज़ पॉसिबल ना हो, जो चीज़ अनलाइकली हो। और पाई इन द स्काई का मीनिंग भी पूछा गया था, क्वेश्चन हम देख लेंगे अभी। दे आर ट्राइंग टू टेक 1000 स्टेप्स एट वंस। पाई इन द स्काई का अगर मीनिंग ना भी पता हो ना तो हमें ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो चीज़ लिखी हुई है उससे थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। दे आर ट्राइंग टू टेक 1000 स्टेप्स एट वंस, वो एक ही साथ 1000 स्टेप्स उठाने की कोशिश कर रहे हैं। एक साथ एक स्टेप ही लिया जा सकता है, दूसरा स्टेप भी नहीं लिया जा सकता एक बार में। तो ये तो 1000 स्टेप एक साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि हाईली इमेजिनेटिव केस हो गया। कैन स्टोरी सेज द टेम्परेचर्स दे आर डीलिंग विद आर लोअर देन एनीथिंग इन नेचर, सो देयर इज एक्सटेंसिव टिश्यू डैमेज एंड सेल डिहाइड्रेशन।
कह रहे हैं जिस टेम्परेचर के साथ वो डील कर रहे हैं वो किसी भी चीज़ से, नेचर में इतना टेम्परेचर है ही नहीं कहीं भी, सो देर आर एक्सटेंसिव टिश्यू डैमेज, तो इससे क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा टिश्यू डैमेज हो जाता है और सेल जो है वो बिल्कुल डिहाइड्रेट हो जाती है, पानी बिल्कुल सूख जाता है। येट एल्कर हैज़ नेवर गारंटीड दैट इट्स पेशेंट्स विल रिसीव ए रिटर्न ऑन देयर $150 लाख इन्वेस्टमेंट, लेकिन एल्कर हैज़ नेवर गारंटीड, एल्कर वही जो ये चला रहा है, जो सोच रहा है कि भाई ह्यूमन बॉडीज़ को भी हम फ्रीज करके बाद में जिंदा करेंगे, तो उसने कभी गारंटी नहीं दी है कि दैट इट्स पेशेंट्स विल रिसीव ए रिटर्न ऑन देयर $150 लाख इन्वेस्टमेंट, कि उसके ऊपर कोई उनको रिटर्न मिलेगा, पक्का कुछ नहीं है, लेकिन दिस इज़ एन एक्सपेरिमेंट, इट्स स्पेकुलेटिव साइंस एट बेस्ट, ये ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर स्पेकुलेटिव साइंस इसकी बेस्ट पे है, यानी कि बिल्कुल बिल्कुल स्पेकुलेशन चल रही है, बिल्कुल तुक्का मारा जा रहा है, अंदाज़ा लगाया जा रहा है, द कंपनी CEO जो वेनिक सेज, जो वेनिक का भी यही कहना है कि भाई हम तो एक तुक्का मार के देख रहे हैं, क्योंकि ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को प्रूव किया जा चुका है, तो क्यों ना हम इसको ह्यूमन बॉडी पर ट्राई करें, तो वो ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। एल्कर इज़ बैंकिंग ऑन द प्रोपोजिशन, एल्कर जो है इस प्रोपोजिशन के ऊपर, प्रोपोजिशन जो होता है ओपिनियन, इस ओपिनियन के ऊपर बैंक ऑन कर रहा है, बैंक ऑन का मतलब होता है डिपेंड अपॉन। वेनिक एड्स दैट सर्वाइवल ऑफ स्ट्रक्चर मीन्स सर्वाइवल ऑफ द पर्सन, तो वो कह रहा है कि अगर कोई स्ट्रक्चर सर्वाइव कर रहा है, जैसे अभी ऊपर दिया था कि भाई किसी का हार्ट 1 घंटे तक जीवित रहा, एक रैट का लीवर 5 दिन तक जीवित रहा, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब है कि सर्वाइवल ऑफ द स्ट्रक्चर मीन्स सर्वाइवल ऑफ द पर्सन। द कंपनीज साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ टू कूल कॉर्पसेस टू टेम्परेचर्स दैट कोज टोटल मेटाबोलिक अरेस्ट अराउंड -321 degrees Fahrenheit विद मिनिमल टिश्यू डैमेज सो द बॉडीज कैन रिमेन परफेक्टली इंटैक्ट फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। कह रहे साइंटिस्ट जो है ना वो ये जानने की, फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम कॉर्पसेस को कूल करें, इतने ठंडा कर दें टू टेम्परेचर्स दैट कोज टोटल मेटाबोलिक अरेस्ट, जिससे टोटल मेटाबोलिक अरेस्ट हो जाए अराउंड -321 degrees पे, भाई हमारा मेटाबॉलिज्म जो है ना बिल्कुल बिल्कुल बंद हो जाए, जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि वुड फ्रॉग का क्या होता है, मेटाबॉलिज्म बिल्कुल बंद हो जाता है, जिसके कारण से वो एक तरह से डेड पोजीशन में जाके और वापस से जीवित हो जाता है, लेकिन हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो तेज़ हो जाता है। अब हमारा मेटाबॉलिज्म जब तेज़ होता है तो हमारा मेटाबॉलिज्म हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को बिल्कुल काट देता है, जिसके कारण हमारी डेथ हो जाती है लो टेम्परेचर्स पे। क्या लिख रहा है, तो सो द बॉडीज कैन रिमेन परफेक्टली इंटैक्ट, ताकि बॉडीज बिल्कुल इंटैक्ट रहें, इंटैक्ट मतलब अनटच्ड, जिसको ऊपर कोई फर्क ना पड़े फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। टू दैट एंड दे इन्फ्यूज क्लाइंट्स विद अ प्रोप्राइटरी मिक्सचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बेस्ड एंटी फ्रीजेस सिमिलर टू दोज नेचुरली प्रोड्यूस्ड बाय द फ्रॉग्स इन स्टोरीज लैब। तो इस चीज़ के लिए वो क्या करते हैं, वो क्लाइंट्स की बॉडी के अंदर एक प्रोप्राइटरी मिक्सचर डालते हैं। देखो प्रोप्राइटरी मिक्सचर होता है, प्रोप्राइटरी कई बार आपने देखा होगा, प्रोप्राइटरी फूड होता है, कई कई फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर लिखा रहता है प्रोप्राइटरी फूड ऑफ पेप्सिको। प्रोप्राइटरी का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड, जनरली जैसे वो कॉपीराइट और ट्रेडमार्क वाला सिस्टम होता है ना, वैसे ही फूड के अंदर प्रोप्राइटरी होता है। तो प्रोप्राइटरी फूड वो होता है जिसका फॉर्मूला सबको नहीं पता होता, ठीक है। तो ये भी कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स डालते हैं जिसका फॉर्मूला सबको नहीं पता, बॉडी के अंदर डाल देते हैं कार्बोहाइड्रेट बेस्ड एंटी फ्रीजेस सिमिलर टू दोज नेचुरली प्रोड्यूस्ड बाय फ्रॉग्स इन द स्टोरीज लैब। तो वो ऐसा ही, जैसा फ्रॉग क्या करता है अपनी बॉडी के अंदर एक एंटी फ्रीज पैदा करता है, वैसे ही एंटी फ्रीज बॉडी के अंदर डाले जाते हैं ताकि बॉडी का मेटाबॉलिज्म बिल्कुल स्टॉप हो जाए। क्या कह रहा है, द टिश्यूज आर पम्प्ड सो फुल ऑफ द क्रायोप्रोटेक्टेंट दैट दे नेवर कम्प्लीटली सोलिडिफाई। तो टिश्यूज़ जो है ना इतना ज़्यादा उनके अंदर क्रायोप्रोटेक्टेंट भर दिया जाता है कि वो कभी भी सोलिडिफाई हो ही नहीं सकते। क्रायोप्रोटेक्टेंट यानी कि बॉडी को सोलिडिफाई नहीं होने देता, ऐसा भी एक क्वेश्चन था, यहाँ पे कहीं पे क्वेश्चन था कि क्रायोप्रोटेक्टेंट का क्या काम है। देखो 8th question, वी कैन इन्फर दैट क्रायोप्रोटेक्टेंट केमिकल्स आर दोज दैट
ब्रिंग अबाउट लो इंटरनल टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर लो करते हैं, या कीप द फ्लूड्स इनसाइड द ऑर्गेनिज्म इन लिक्विड स्टेट, हमारी बॉडी के ऑर्गेनिजम्स का जो फ्लूड है उसको लिक्विड स्टेट में ही रखते हैं, कैन विदस्टैंड लो टेम्परेचर विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज, कोई चेंज नहीं होने देते, आर प्रोटीन बेस्ड एंटी फ्रीज मिक्सचर्स। तो क्रायोप्रोटेक्टेंट केमिकल्स वो होते हैं, देखो वापिस पढ़ते हैं, ये रहा, द टिश्यूज आर पम्प्ड सो फुली ऑफ क्रायोप्रोटेक्टेंट दैट दे नेवर कम्प्लीटली सोलिडिफाई, यानी कि इतना ज़्यादा क्रायोप्रोटेक्टेंट भर दिया जाता है बॉडी के अंदर कि वो कभी भी सोलिडिफाई नहीं होते, यानी कि क्रायोप्रोटेक्टेंट बॉडी के फ्लूड को एज फ्लूड ही रहने देता है। ठीक है, तो जो सेकंड ऑप्शन था कहीं ना कहीं वही इसका आंसर दिख रहा है, कीप द फ्लूड्स इनसाइड द ऑर्गेनिज्म इन लिक्विड स्टेट। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, कह रहे हैं सिग्निफिकेंट ऑब्स्टेकल्स रिमेन, लेकिन फिर भी कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं, कौन सी, हाउएवर इंक्लूडिंग द टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ एंटी फ्रीज ऑन टिश्यू एंड इट्स इम्परफेक्ट डिस्पर्सल थ्रू आउट द बॉडी, कह रहे हैं कि इस चीज़ की क्रायोप्रोटेक्टेंट की ऑब्स्टेकल्स हैं, कौन सी ऑब्स्टेकल्स हैं, कि इनका एंटी फ्रीज जो ये है ना, क्रायोप्रोटेक्टेंट्स जो हैं, एंटी फ्रीज जो हैं, इनका टॉक्सिक इफेक्ट होता है टिश्यूज के ऊपर, और इम्परफेक्ट डिस्पर्सल होता है, डिस्पर्सल का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, तो बॉडी के अंदर परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता थ्रू आउट द बॉडी, डिफरेंट ऑर्गन्स अब्सॉर्ब द क्रायोप्रोटेक्टेंट एट वेरिंग रेट्स एंड सम डोंट डू एज वेल एज अदर्स, कह रहे बहुत अलग अलग ऑर्गन्स अलग अलग क्रायोप्रोटेक्टेंट की क्वांटिटी को एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ बिल्कुल भी नहीं करते जैसा दूसरे करते हैं। टू द स्टोरीज देर इज़ नॉट दैट मच डिफरेंस बिटवीन इंस्टीट्यूशंस लाइक एल्कर एंड मोस्ट ऑर्गेनाइज रिलीजन्स, कह रहे स्टोरीज के अकॉर्डिंग कोई खास डिफरेंस नहीं है एल्कर की जो इंस्टीट्यूशन है उनमें और रिलीजन्स के अंदर। देखो रिलीजन को कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहा है कि भाई रिलीजन में ये चीज़ मानी जाती है कि भगवान जो है ना किसी को भी जीवित कर सकता है, तो ये भी कहीं ना कहीं आज के टाइम पे साइंस इस चीज़ को इम्प्रैक्टिकल मानता है। सेम वे में एल्कर जो कह रहा है कि हम किसी को भी जीवित कर सकते हैं तो उसको भी ये इम्प्रैक्टिकल मान के चल रहे हैं। फिर क्या कह रहा है, द प्रोमिस ऑफ एटर्नल लाइफ इज़ समथिंग दैट इज़ अपीलिंग टू जस्ट अबाउट एवरीबडी, कह रहे एटर्नल लाइफ का जो प्रोमिस है, एटर्नल लाइफ मतलब परमानेंट लाइफ का जो प्रोमिस है कि हम कभी भी ना मरें, इसका जो प्रोमिस है वो एक ऐसी चीज़ है जो सबको अपील करता है, जो सबको अच्छा लगता है। कैन स्टोरी सेज स्टिल दे डोंट एंटायरली डिसमिस क्रायोबायोलॉजीज ग्रैंडर गोल्स, लेकिन कह रहा है फिर भी हम बिल्कुल डिसमिस नहीं करते कि क्रायोबायोलॉजी का जो इतना बड़ा गोल है हम उसको डिसमिस नहीं करते, शायद ये चीज़ कभी अचीव हो सकती है। इट इज़ पॉसिबल इन डेकेड्स दैट वी माइट बी एबल टू फ्रीज एस्ट्रोनॉट्स फॉर लॉन्ग मिशंस एंड थिंग्स लाइक दैट, कह रहे कि शायद ऐसी चीज़ हो सकती है कि हम आने वाली डेकेड्स के अंदर, आने वाले टाइम के अंदर, दशकों के अंदर हम एस्ट्रोनॉट्स को फ्रीज कर पाएँ लंबे बड़े मिशंस के लिए एंड फॉर द थिंग्स लाइक दैट, और ऐसी अदर चीज़ों के लिए, जेनेट स्टोरी सेज, बट आर फोकस इज़ नॉट हाउ टू अप्लाई दीज टेक्निक्स टू ह्यूमंस डाउन द लाइन, लेकिन कह रहा है हमारा फोकस जो है इस चीज़ के ऊपर नहीं है कि कैसे इन टेक्निक्स को ह्यूमन के ऊपर अप्लाई किया जाए। वी वॉन्ट टू फिगर आउट, हम तो ये जानना चाहते हैं हाउ द बायोलॉजिकल सिस्टम्स वर्क, अदर पीपल कैन टेक इट फ्रॉम देयर, हम तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि बायोलॉजिकल सिस्टम कैसे काम करता है, दूसरे पीपल इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, हमारा मेन पर्पज़ ये नहीं है। तो ये सब पैसेज था, एक दो क्वेश्चन हमने पहले ही देख लिए, बाकी अब हम सारे क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट मेक द राना सिल्वेटिका ए बायोलॉजिकल कन्ड्रम, हम इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बायोलॉजिकल कन्ड्रम क्यों है, क्योंकि ये दोबारा से मर के भी जीवित हो जाता है, तो हमने इसका ऑप्शन पढ़ा था रीएनिमेशन आफ्टर अ पीरियड विदाउट हार्ट बीट एंड ब्रेन एक्टिविटी, कि ये दोबारा से जीवित हो जाता है, तो यही इसका आंसर था। अगला क्वेश्चन है, द स्टोरीज आर इंटरेस्टेड इन द रिवाइवल ऑफ फ्रोजन फ्रॉग्स, कह रहे जो स्टोरीज हैं वो रिवाइवल ऑफ फ्रोजन फ्रॉग्स में क्यों इंटरेस्टेड हैं, टू अप्लाई इट बाई एक्सटेंशन टू ह्यूमन बींग्स, क्या वो इसको ह्यूमन बींग्स के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, टू वर्क ऑन इट्स ग्रैंडर पॉसिबिलिटीज़, वो इसकी बड़ी पॉसिबिलिटीज़ को के ऊपर काम करना चाहते हैं, टू यूज़ इट्स बेनिफिट्स फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए इसको यूज़ करना चाहते हैं, टू अंडरस्टैंड हाउ द बायोलॉजिकल सिस्टम वर्क्स। अभी देखो हमने पैसेज के बिल्कुल लास्ट में जो हमने अभी अभी पढ़ा था, ये जो चीज़ हमने पढ़ी थी यहाँ से, बट
आर फोकस इज नॉट हाउ टू अप्लाई दीज टेक्निक्स टू ह्यूमन डाउन ह्यूमंस डाउन द लाइन। कह रहे कि हमारा फोकस इसको ये नहीं है कि हम इसको ह्यूमंस के ऊपर अप्लाई करें। देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, टू अप्लाई इट बाय द एक्सटेंशन टू ह्यूमन बींग्स। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, वो तो खुद ही मना कर रहा है। टू वर्क ऑन इट्स ग्रांडर पॉसिबिलिटीज़, ऊपर इसने इससे जस्ट ऊपर लिखा था कि ग्रांडर पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर काम करने को हम डिसमिस नहीं करते, ऐसा कहीं लिखा था ये रहा, स्टिल दे डोंट एंटायरली डिसमिस क्रायोबोलॉजिकल्स ग्रांडर गोल्स। तो ये इसका काम नहीं है, इनका काम है वी वॉन्ट टू फिगर आउट हाउ द बायोलॉजिकल सिस्टम वर्क, टू यूज़ इट्स बेनिफिट्स फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन, ये भी नहीं है। जो फोर्थ ऑप्शन है, टू अंडरस्टैंड हाउ द बायोलॉजिकल सिस्टम वर्क्स, यही इस क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ खास था नहीं। अगला पढ़ते हैं, एज गिवन इन द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द कॉमन वुड फ्रॉग एंड ह्यूमंस एट लो टेम्परेचर। कह रहे कौन सी ऐसी चीज है जो कॉमन वुड फ्रॉग और ह्यूमंस के बीच में यूज नहीं की गई, दोनों के बीच में कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए कि दोनों अपोजिट हैं। रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म शो किया था, फ्रॉग का मेटाबॉलिज्म बिल्कुल बंद हो जाता है, ह्यूमंस का मेटाबॉलिज्म बिल्कुल बढ़ जाता है, तो ये तो शो किया गया था। रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी एंड ऑक्सीजन, अब उसका मेटाबॉलिज्म बंद हो जाता है तो एनर्जी और ऑक्सीजन नहीं चाहिए उसको, लेकिन हमारा मेटाबॉलिज्म क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो एनर्जी हमें ज़्यादा चाहिए होती है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। चेंज इन अपीयरेंस, क्या ऐसा इसके अंदर कहीं लिखा है कि उसकी फ्रॉग की अपीयरेंस में चेंज आता है या हमारी अपीयरेंस में चेंज आता है, नहीं। इंटरनल रिएक्शन भी लिखा है, थर्ड ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का आंसर था। अगला देखो, द हाई लेवल ऑफ फिब्रिनोजन इन द लीवर ऑफ फ्रोजन फ्रॉग्स हेल्प्स। कह रहा है हाई लेवल ऑफ फिब्रिनोजन जो है फ्रोजन फ्रॉग्स के लीवर में, वो किस चीज़ में हेल्प करता है, इन प्रिवेंटिंग ब्लड क्लॉट्स। ये तो हमने अभी पढ़ लिया था, जो फिब्रिनोजन है वो तो ब्लड क्लॉट्स बनाता है, ये देखो ये यहाँ पे था, ये है क्लॉट एनहांसिंग प्रोटीन, फिब्रिनोजन जो है ये एक क्लॉट एनहांसिंग प्रोटीन है, तो ब्लड क्लोटिंग तो बढ़ाता है ये, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आंसर नहीं है, इन कीपिंग ब्लड वेसल्स इंटैक्ट, यही इसका आंसर है कि ब्लड वेसल्स को नुकसान होने से बचाता है, इन मेंटेनिंग द, तो वहाँ पे आप जाके दोबारा भी पढ़ सकते हो इस चीज़ को, अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो एक बार आप दोबारा पढ़ के भी इसको निकाल सकते हो, इन मेंटेनिंग द ब्लड इन लिक्विड स्टेट, ब्लड को लिक्विड स्टेट में रखने में कोशिश करता है, तो ब्लड को लिक्विड स्टेट में नहीं रखता ब्लड को तो ये, बल्कि किस स्टेट में रखता है ये, उसको ब्लड को क्लॉट्स में बना देता है, इन कीपिंग द फ्रॉग अलाइव, ठीक है। फोर्थ भी कहीं ना कहीं आंसर है, लेकिन सेकंड इज द एक्यूरेट आंसर, ठीक है। वन ऑफ द हर्डल्स इन यूजिंग क्रायोप्रोटेक्टेंट्स इज, क्रायोप्रोटेक्टेंट्स को यूज़ करने में कौन सी हर्डल आ रही हैं, जस्ट अभी हमने यहीं पे ऊपर पढ़ा था कि हाउएवर द ऑब्स्टेकल रिमेन, ये रहा सिग्निफिकेंट क्रायोप्रोटेक्टेंट्स दैट दे नेवर कम्प्लीटली सॉलिडिफाई, सिग्निफिकेंट ऑब्स्टेकल्स रिमेन हाउएवर इंक्लूडिंग द टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ एंटी फ्रीज ऑन टिश्यूज। प्रॉब्लम है, कौन सी प्रॉब्लम है, टॉक्सिक, ये रहा टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ एंटी फ्रीज ऑन टिश्यू, ठीक है। देखो वन ऑफ द हर्डल्स इन यूजिंग क्रायोप्रोटेक्टेंट्स इज देयर टॉक्सिक इफेक्ट्स, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ए टोटल मेटाबोलिकल अरेस्ट द डैमेज ऑफ टू टिश्यूज, डैमेज है लेकिन वो डैमेज किस कारण से है, टॉक्सिक इफेक्ट के कारण, देयर साइड इफेक्ट्स ऑन वेकिंग अप, वेकिंग अप मतलब हम मर रहे से जब जिंदा हो जाएंगे तब हमारे ऊपर साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो ये भी कोई ऑप्शन नहीं है। अगला देखो, रिप वैन विंकल इज प्रोबेबली समवन, रिप वैन विंकल, अब अगर नहीं पता तो कौन होगा, इसने कहा था कि जो फ्रॉग है ना वो रिप वैन विंकल है, रिप फ्रॉग क्या होता है कि मर के जीवित हो जाता है, यानी कि मरता नहीं है एक्चुअल में, लाइक मरता है, मरने जैसा हो जाता है, यानी कि सो जाता है, ठीक है, लंबे टाइम तक और फिर जीवित हो जाता है। आपने देखा भी होगा ये नॉर्मल चीज़ होती है, फ्रॉग्स क्या होते हैं, अभी जैसे इस सीजन में अब विंटर आ गए फ्रॉग्स नहीं दिखेंगे आपको कहीं पे, लेकिन जब स्प्रिंग आती है तो एकदम से हर जगह फ्रॉग्स ही फ्रॉग्स दिखाई देने लग जाते हैं, ठीक है। तो रिप वैन विंकल कौन होगा, हु डाइड इन स्लीप, ना भी मरा तो था ही नहीं, फ्रॉग तो मरा नहीं था, कैन स्लीप फॉर एज लॉन्ग एज ही लाइक्स, उतना टाइम तक सो सकता है जितना उसको पसंद है, वोकअप आफ्टर ए लॉन्ग स्लीप,
जो जाग सकता है, जो जागा होगा एक लंबी स्लीप के बाद, या आउटस्मार्ट्स एडवर्स कंडीशन, ना फोर्थ ऑप्शन नहीं। सेकंड और थर्ड में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती थी, कैन स्लीप फॉर एज लॉन्ग एज ही लाइक्स, जो थर्ड ऑप्शन है वही इसका आंसर है, वोक अप आफ्टर ए लॉन्ग स्लीप। ठीक है, अगला देखो, एल्कर एज इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज। एल्कर वो था जो बॉडी के ऊपर इस टेस्ट को यूज करने की कोशिश कर रहा था। एल्कर इज ट्राइंग टू टेक ए लॉजिकल प्रोपोजिशन टू इलॉजिकल लिमिट्स। कह रहे कि एल्कर जो है लॉजिकल प्रोपोजिशन को, जो लॉजिकल मत है उसको इलॉजिकल लिमिट्स तक यूज करने की कोशिश कर रहा है। मतलब कि लॉजिकल प्रोपोजिशन ये हो गई कि कूल टेम्परेचर के अंदर फ्रीजिंग टेम्परेचर के अंदर फ्रॉग जीवित रहता है, और इलॉजिकल हो गया कि ये ह्यूमन को भी उस टेम्परेचर के अंदर जीवित रखने की कोशिश कर रहा है। शायद ये हो सकता है, अभी हमें नहीं पता। इज एन अनस्क्रूपलस कंपनी, अनस्क्रूपलस का मतलब होता है डिसऑनेस्ट, तो इट इज़ एन अनस्क्रूपलस कंपनी दैट मेक्स मनी थ्रू डूबियस मीन्स। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, डूबियस भी होता है डाउटफुल। तो कह रहे ये एक अनस्क्रूपलस कंपनी है जो पैसा बनाती है डिसऑनेस्ट मीन्स से। नहीं, इट इज़ अ कंपनी इन टू साइंटिफिक रिसर्च विदाउट कमर्शियल इंटरेस्ट। कह रहे कि एक ऐसी कंपनी है जिसका साइंटिफिक रिसर्च, जो साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं लेकिन इनका कोई कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है। नहीं देखो, ऐसा भी नहीं है कि कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है, कमर्शियल इंटरेस्ट तो है, हालांकि वो फुलफिल होगा या नहीं वो बाद की बात है। इट इज़ अ कंपनी दैट सीक्स टू गिव एटर्नल लाइफ टू इट्स क्लाइंट्स। तो ये एक ऐसी कंपनी है जो चाहती है अपने क्लाइंट्स को एटर्नल लाइफ देना। तो देखो, जो फर्स्ट ऑप्शन है और फोर्थ ऑप्शन है, इन दोनों के अंदर कुछ है, थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो सकती है। एल्कर इज़ ट्राइंग टू टेक अ लॉजिकल प्रोपोजिशन टू इलॉजिकल लिमिट्स, एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ इट इज़ अ कंपनी दैट सीक्स टू गिव एटर्नल लाइफ टू इट्स क्लाइंट्स। तो देखो, फोर्थ ऑप्शन भी ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन भी ठीक है, ठीक है, लेकिन अब दोनों में से देखें तो क्या लिखा है, एज इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज। पैसेज में क्या कहना चाह रहा है ऑथर? देखो, स्टोरीज ने साफ कहा था कि इट इज़ लाइक, लास्ट में देखो यहाँ पे कहीं लिखा था कि रिलीजन और इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। कहाँ था ये रहा, यस हियर, ये रहा रिलीजन्स, इसके जस्ट ऊपर क्या लिख रहा है, इसके दो लाइन ऊपर देखो, टू द स्टोरीज देर इज नॉट दैट मच डिफरेंस बिटवीन इंस्टीट्यूशन लाइक एल्कर एंड मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स। कि ये तो एक रिलीजन वाला काम है कि मतलब लॉजिकल चीज को इलॉजिकल बनाना चाह रहे हैं ये। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, हालांकि फोर्थ ऑप्शन गलत नहीं है, लेकिन दोनों में से अगर हमें बेस्ट चूज करना है तो वी शुड गो विद फर्स्ट ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चंस में अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो तो हम इन क्वेश्चंस को छोड़ सकते हैं, लेकिन अभी तक जो 6 क्वेश्चन हमने किए उनमें से कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं था। अगला देखते हैं, वी कैन इन्फर दैट क्रायो प्रोटेक्टेंट केमिकल्स। अभी हमने देख ही लिया था क्रायो प्रोटेक्टेंट केमिकल्स कौन से होते हैं, ब्रिंग अबाउट लो इंटरनल टेम्परेचर, जो हमारी बॉडी के अंदर इंटरनल टेम्परेचर लाते हैं, या देखो वर्ड में ये है क्रायो प्रोटेक्टेंट, क्रायो माने एक्सट्रीम कोल्ड, फ्रीज और प्रोटेक्ट, तो जो फ्रीज से बचाते हैं। कीप द फ्लूड्स इनसाइड द ऑर्गेनिज्म इन लिक्विड स्टेट, ठीक है, जो फ्लूड जो है हमारी बॉडी के अंदर उसको लिक्विड स्टेट में रखते हैं। क्रायो प्रोटेक्टेंट एंटी फ्रीज होते हैं, जो फ्रीज नहीं होने देते, कोई बात नहीं। थर्ड ऑप्शन देखो, कैन विदस्टैंड लो टेम्परेचर विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज। नहीं, एनी चेंज नहीं, कहना यही चाहता है कि जो फ्लूड है वो फ्लूड ही रहता है, वो फ्रीज नहीं होता। आर प्रोटीन बेस्ड एंटी फ्रीज मिक्सर्स, यस क्रायो प्रोटेक्टेंट्स आर एंटी बे एंटी आर प्रोटीन बेस्ड एंटी फ्रीज मिक्सर्स, लेकिन वो करते क्या हैं, कीप द फ्लूड्स इनसाइड द ऑर्गेनिज्म इन लिक्विड स्टेट। सेकेंड ऑप्शन जो है वो इसका आंसर है। द फ्रेज पाई इन द स्काई, अब पाई इन द स्काई जो है उसका हमें वो बताया गया है, क्वेश्चन हमें पूछा गया है, तो पाई इन द स्काई जो है इसका मतलब है बीइंग फार अहेड ऑफ योर कंटेम्प्रेरीज। कंटेम्प्रेरीज का मतलब होता है समकालीन, तो अपने समकालीन जो मतलब आपके टाइम के लोग हैं उनसे बहुत आगे बढ़ना, ना समथिंग दैट सीम्स वेरी अनलाइकली टू हैपन, जो चीज़ होने के चांसेस बिल्कुल कम हों।
और ए प्रोजेक्ट दैट इज़ फुल ऑफ रिस्क टेकिंग चांसेज एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स, ना जो सेकेंड ऑप्शन है वो इसका आंसर था। तो देखो अगर हम ध्यान से देखें ना तो पैसेज वॉज नॉट दैट मच डिफिकल्ट। जनरली होता क्या है कि हम बहुत बड़ा पैसेज देखते हैं और हमारी रीडिंग हैबिट उतनी नहीं होती, तो हम क्या करते हैं जब हम पैसेज पढ़ रहे होते हैं ना तो हम पढ़ना तो शुरू करते हैं, लेकिन जब हम दो पैराग्राफ पढ़ चुके होते हैं तीसरा पैराग्राफ पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें ये चीज़ समझ में नहीं आती कि हम पीछे क्या पढ़ के आए, हम भूल जाते हैं। तो इस चीज़ के लिए जो चीज़ काम आती है वो आती है रीडिंग हैबिट। अगर आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी है, देखो अभी मैंने हिंदी में अभी आपको सब कुछ समझाया तो अभी मेरे हिसाब से आपको सब याद है कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, ठीक है। लेकिन वही चीज़ जब हम इंग्लिश के अंदर पढ़ रहे हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमने पहले क्या पढ़ा है। तो ये रीज़न है क्योंकि हिंदी से हम डेली टच में हैं, इसीलिए मैं क्लासेस में और सब जगह मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि रीडिंग हैबिट अपनी बनाओ, डेली एटलीस्ट 2 आवर्स की रीडिंग हमारी होनी चाहिए। बैंकिंग के अंदर तो टोटली गेम ही रीडिंग की है, ठीक है। पैसे आसान था, अगर रीडिंग हैबिट अच्छी है तो बहुत इजीली क्वेश्चन किए जा सकते थे। और कहीं ना कहीं ये तो ऐसा पैसेज है कि अगर ऐसा पैसेज आ जाए एग्ज़ाम के अंदर तो हम इजीली इसी एक पैसेज की हेल्प से इंग्लिश की कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा बस थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा। अभी क्या करते हैं हम इसी टेस्ट के सेकंड पैसेज आज हम डिस्कस नहीं कर रहे, पूरा टेस्ट डेली डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, तो आज हम इसके जो 19 to 23 क्वेश्चंस हैं हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। इन क्वेश्चंस के अंदर क्या दिया हुआ है देखो, कह रहे इन इन क्वेश्चन द वर्ड एट द टॉप ऑफ द टेबल इज यूज्ड इन 5 different ways। एक वर्ड दिया है 19th को, देखो जैसे फिल वर्ड दिया है, 5 different ways में वर्ड यूज़ किया गया है। नंबर 1 to 5 चूज द ऑप्शन इन विच द यूसेज ऑफ द वर्ड इज इनकरेक्ट, जहाँ पे इस वर्ड को गलत यूज़ किया होगा हमें वो चूज़ करना है। जनरली ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये फ्रेजल वर्ब्स वाले क्वेश्चन होते हैं। अब फिल के साथ जो जो फ्रेजल वर्ब्स बनती होंगी उससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं। अभी SBI ने लास्ट टाइम फ्रेजल वर्ब्स के क्वेश्चन पूछे थे। फ्रेजल वर्ब्स एक्चुअल में बहुत ज़्यादा हैं, इनको याद करना काइंड ऑफ मैं तो कहूँगा इम्पॉसिबल है सब फ्रेजल वर्ब्स को याद करना। लेकिन जनरली जो फ्रेजल वर्ब्स यूज़ होती हैं वो वही यूज़ होती हैं जो डेली लैंग्वेज में मिल रही होती हैं। अगेन इसका भी इलाज जो है वो वही है रीडिंग हैबिट। अगर आप डेली रीडिंग करते हो, कुछ ना कुछ डेली रीड करते हो, तो आप इन फ्रेजल वर्ब्स से कहीं ना कहीं ज़रूर मिलोगे, ठीक है। कोई बात नहीं, फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दे रहा है फिल, गोरी फिल्ड इन फॉर मार्गरेट इन द प्ले। देखो फिल इन जो है, फिल इन फॉर का मतलब होता है एक्ट एज सब्स्टिट्यूट। तो गोरी जो थी मार्गरेट की जगह सब्स्टिट्यूट बन गई प्ले के अंदर, यानी कि मार्गरेट नहीं प्ले में रोल अपना प्ले कर पाई होगी जिसके कारण से गोरी ने उसको उसकी जगह ले ली। तो एक्ट एज सब्स्टिट्यूट, फर्स्ट सेंटेंस इज करेक्ट। सेकेंड जो सेंटेंस है, माई मैनेजर आस्क्ड मी टू फिल हिम ओन द असेंशियल डिटेल्स। तो देखो फिल समबडी ओन नहीं होता, एक फ्रेज होता है, फ्रेजल वर्ब होती है फिल समबडी इन। फिल समबडी इन का मतलब होता है इन्फॉर्म करना या टेल अबाउट समथिंग, ठीक है। तो मेरे मैनेजर ने मुझसे कहा कि मैं उसको असेंशियल डिटेल्स बताऊं। टू फिल हिम इन होना चाहिए इस ओन की जगह, यही ऑप्शन के अंदर प्रॉब्लम थी। थर्ड ऑप्शन जो है, द कंपनी फिल्ड ए बिग ऑर्डर फॉर द गवर्नमेंट, कंपनी ने एक बड़ा ऑर्डर पूरा किया। यहाँ पे फिल जो है वो कंप्लीट करने के सेंस में यूज़ हो रहा है। ही वॉज गोइंग टू फिल ए जज पोस्ट शॉर्टली, जज की पोस्ट के ऊपर वो बैठने वाला था, उसको फिल करने वाला था, यानी कि जो फिल इन द ब्लैंक वाला फिल होता है कि किसी जगह को फिल करना, उस सेंस में ये वर्ड यूज़ हो रहा है। फिर कह रहा है आई हैव हैड माई फिल एंड आई कैन नॉट टॉलरेट इट एनी मोर। आई हैव हैड माई फिल, देखो यूज़ होता है आई हैव हैड माई फिल, इसका मतलब होता है मैं फुल हो चुका हूँ। माई फिल का मतलब होता है मेरी भूख जो है वो ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। मैं उतना खा चुका हूँ जितना मेरे लिए नेसेसरी था। समबडीज़ फिल का मतलब होता है एज मच एज नेसेसरी, ठीक है।
अब मैं इससे ज़्यादा नहीं ले सकता, अब मैं नहीं खा सकता, या जो भी चीज़ है मैं उसको और ज़्यादा नहीं टॉलरेट कर सकता। क्लियर? नेक्स्ट जो ऑप्शन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्लियर? तो 19th का आंसर जो हो गया वो सेकंड हो गया। 20th क्वेश्चन में क्लियर दिया है, क्लियर में दिख रहा है ही कुड नॉट क्लियर हिज डेट्स इन फुल। देखो क्लियर एज अ वर्ब अनबर्डन की सेंस में यूज होती है। क्लियर का मतलब यूज होता है अपने बर्डन को कम करना, तो डेट के बर्डन को वो क्या करना चाहता है, क्या नहीं कर पाया, क्लियर नहीं कर पाया। ही होप्स टू क्लियर रुपीज 2 लाख प्रॉफिट्स फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे क्लियर का मतलब यूज हो रहा है टू अर्न। ही होप्स टू क्लियर रुपीज 2 लाख प्रॉफिट फ्रॉम हिज प्रोजेक्ट, तो वो सोच रहा है कि 2 लाख का प्रॉफिट अर्न करेगा इसके प्रोजेक्ट से, ये भी सही है। फिर थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड ऑप्शन जो है, एज सून एज द न्यूज केम ऑल वर आस्क्ड टू क्लियर आउट द बिल्डिंग। क्लियर आउट द बिल्डिंग, क्लियर आउट द बिल्डिंग, क्लियर आउट का मतलब होता है टू लीव ए प्लेस, किसी प्लेस को छोड़ना, खाली करना, तो ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन भी ठीक है। अगला ऑप्शन, द मदर आस्क्ड हर चिल्ड्रन टू क्लियर द टॉयज इमीडिएटली। इस ऑप्शन के अंदर प्रॉब्लम है, द मदर आस्क्ड हर चिल्ड्रन टू क्लियर द टॉयज इमीडिएटली। क्लियर द टॉयज नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए क्लियर आउट द टॉयज या क्लियर अवे द टॉयज, मतलब कि टॉयज को वहाँ से हटाना। तो मदर ने अपने बच्चे को कहा कि बेटा टॉयज जल्दी से हटाओ, तो इट शुड बी क्लियर आउट और क्लियर अवे। अगला जो क्वेश्चन है, यू मस्ट मेक थिंग्स क्लियर और यू विल बी मिसअंडरस्टूड। यहाँ पे क्लियर का यूसेज ठीक था, यहाँ पे क्लियर का मीनिंग है अंडरस्टैंडेबल, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी ठीक था। फोर्थ जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला देख रहे हैं, अगले क्वेश्चन में इम्पोज वर्ड दिया है। इम्पोज का मतलब होता है किसी के ऊपर थोपना, किसी के ऊपर लागू करना, ठीक है। क्या दे रहा है, ए न्यू पेनल्टी इज इम्पोज्ड ऑन दोज हु वायलेट ट्रैफिक रूल्स। कह रहे हैं कि एक नई पेनल्टी, एक नया दंड उनके ऊपर लागू किया जाएगा, उनके ऊपर लगाया जाएगा। इम्पोज का मतलब हमेशा जनरली टैक्स वगैरह, पेनल्टी वगैरह इम्पोज ऑन की जाती है, बिल्कुल सही है, जो ट्रैफिक रूल्स को वॉयलेट करेंगे उनके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज द फर्स्ट टू इम्पोज इट्सेल्फ ऑन द सबसिक्वेंट सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन पहली थी जिसने अपने आप को सबके ऊपर फोर्स किया ना। यहाँ पे जो ये यूसेज है गलत है, यहाँ पे इम्पोज इट्सेल्फ ऑन की जगह होना चाहिए इन्फ्लुएंस द सबसिक्वेंट सिविलाइजेशन। इट वॉज द फर्स्ट टू इन्फ्लुएंस द सबसिक्वेंट सिविलाइजेशन। इम्पोज का यूसेज सेकेंड ऑप्शन में गलत था। अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन, द न्यू बजट इम्पोजेज एडिशनल फिनेंशियल बर्डन। एडिशनल फिनेंशियल बर्डन पड़ रहा है तो इम्पोज हो रहा है, ये भी ठीक है। डोंट ट्राई टू इम्पोज यूर आइडियाज़ ऑन मी, अपने आइडियाज़ मेरे ऊपर फोर्स मत करो। या ही इम्पोज हिमसेल्फ ऑन अस, इम्पोज समबडी ऑन समबडी। इम्पोज समबडी ऑन समबडी का मतलब होता है टू मेक समबडी एक्सेप्ट द सेम ओपिनियंस, यानी कि मैं अगर आपके ऊपर अपने आप को इम्पोज कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ जैसी मेरी सोच है वैसी ही सोच आपकी होनी चाहिए, ठीक है, तो ये भी ठीक था। तो जो सेकेंड ऑप्शन था वहाँ पे इम्पोज का यूसेज गलत था। अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में इंटरेस्ट दिया है। इंटरेस्ट के साथ जनरली जो वर्ब यूज़ होती है वो वर्ब यूज़ होती है इन। माय पेरेंट्स डोंट टेक इंटरेस्ट इन माय फ्रेंड्स, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट इन बिल्कुल सही है। दिस एंटीक्वेटेड रोज वुड डेस्क विल ऐड इंटरेस्ट टू योर कलेक्शन। ये जो एंटीक्वेटेड रोज वुड डेस्क है ये तुम्हारी कलेक्शन के अंदर इंटरेस्ट ऐड कर देगी, इंटरेस्ट टू समथिंग, ठीक है ये भी। आई वॉन्ट यू टू टेक इंटरेस्ट इन, अगेन इंटरेस्ट इन यूज़ हुआ है बिल्कुल सही है, टू इन ऑल दैट इज़ बींग टॉट टू यू। मैं चाहता हूँ कि तुम सब उस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट लो जो चीज़ मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, जो चीज़ तुम्हें पढ़ाई जा रही है। मिस्टर रॉड्रिक्स बिजनेस इंटरेस्ट इन अमेरिका अर्नड ह्यूज प्रॉफिट्स फॉर हिम, अगेन इंटरेस्ट इन बिल्कुल सही है। स्मोकिंग इज़ फॉरबिडन इन द गैस प्लांट विद द इंटरेस्ट ऑफ योर सेफ्टी। स्मोकिंग फॉरबिडन है, मना है, इन द गैस प्लांट विद द इंटरेस्ट ऑफ नहीं होता, इन द इंटरेस्ट ऑफ होता है, जिसका मतलब होता है टू द एडवांटेज ऑफ। कभी भी विद द इंटरेस्ट ऑफ यूज़ नहीं होता, यूज़ होता है इन द
इंटरेस्ट ऑफ। अगला जो क्वेश्चन है लाइन, लाइन के ऑप्शन यूसेज देखते हैं। देर इज़ अ फाइन लाइन, देखो जो फाइन लाइन होता है उसका मतलब होता है वेरी स्मॉल डिफरेंस, ठीक है, तो फाइन लाइन यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। देर इज़ अ फाइन लाइन बिटवीन द एक्चुअल सिचुएशन एंड द अपेरेंट सिचुएशन, जो एक्चुअल सिचुएशन है और जो हम सोच रहे थे, जो क्लियर सिचुएशन थी, उसके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है। दिस मूवी इज द लेटेस्ट इन द लॉन्ग लाइन, देखो इन द लॉन्ग लाइन, इन अ लॉन्ग लाइन यूज होता है ए नंबर ऑफ मैनी के सेंस में, तो दिस मूवी इज द लेटेस्ट इन द लॉन्ग लाइन ऑफ एक्शन मूवीज ही हैज़ डायरेक्टेड, तो बहुत सारी उसने मूवीज डायरेक्ट की हैं, उनमें से एक मूवी है ये भी। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो ऑप्शन है, द रेल ट्रैक वॉज ब्लॉक्ड बिकॉज ए ट्री हैड फॉलन अक्रॉस द लाइन, लाइन रेलवे लाइन के लिए यूज होता है, तो ये भी ठीक है। आर यू ऑन द लाइन फॉर ए प्रमोशन, यहाँ पे गलती थी, आर यू ऑन द लाइन नहीं होता, आर यू इन द लाइन फॉर अ प्रमोशन होता है, यूज़ होता है, जैसे इन लाइन फॉर प्रेसिडेंसी, आई एम इन लाइन फॉर प्रेसिडेंसी, यानी कि मैं भी अभी प्रेसिडेंट शायद बन सकता हूँ, ठीक है, तो इन द लाइन होना चाहिए ना कि ऑन द लाइन। अगला जो ऑप्शन है, इट इज़ अ लॉन्ग लाइन एंड आई हैव नो पेशेंस टू वेट, यहाँ पे लाइन जो है क्यों की सेंस में यूज़ हो रहा है कि ये इतनी लंबी लाइन है और मेरे अंदर पेशेंस नहीं है वेट करने की। तो ये क्वेश्चन जो है जनरली रीडिंग बेस्ड होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को देखो पढ़ते हुए कई बारी हमें पता नहीं लगेगा कि इसके अंदर क्या होना चाहिए, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर अगर तो हमें डायरेक्ट अंडरस्टूड अंडरस्टैंड का हम कर पा रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है, तब तो हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, अदरवाइज इन क्वेश्चंस को एग्ज़ाम के अंदर छोड़ा जा सकता है। देखो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जनरली होता क्या है कि हम मैक्सिमम क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं, बहुत अच्छी बात है, मैक्सिमम क्वेश्चंस करने चाहिए, लेकिन एक हैबिट हमें ये भी बनानी पड़ेगी कि कौन से क्वेश्चंस को हमें छोड़ना है। हमें ये भी पता होना चाहिए सारे क्वेश्चंस करने लायक नहीं होते, मैंने कई बारी क्लासेस में भी बताया है, जनरल भी हमें ये चीज़ सोचनी चाहिए कि देखो लास्ट ईयर मेंस के अंदर सिर्फ 50 मार्क्स की कट ऑफ गई, तो 50 मार्क्स की कट ऑफ आउट ऑफ 252 मार्क्स की कट ऑफ वॉज नॉट अ बिग कट ऑफ, है ना, इंग्लिश में 5 नंबर की कट ऑफ लेनी थी हमें, 5 नंबर क्रॉस करने थे, बाकी चीज़ें जनरली स्टूडेंट्स यही कहते हैं सर इंग्लिश की कट ऑफ रह जाती है, तो 5 नंबर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, मेन प्रॉब्लम वहाँ अटकती है कि हमें ये नहीं पता होता कि कौन सा क्वेश्चन ठीक है और कौन सा क्वेश्चन गलत है, तो जहाँ पे हम थोड़ा सा भी हमें डाउट है वहाँ पे तो चलो फिर भी हम कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे हमें क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया वहाँ पे हमें वो क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए, जनरली फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड, अगर आपको डायरेक्ट मीनिंग मालूम है, पढ़ रखी हैं फ्रेजल वर्ब्स, देन इट इज़ वेल एंड गुड, हम क्वेश्चन का आंसर करेंगे, लेकिन अगर फ्रेजल वर्ब्स आपने नहीं की हुई तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब डेली की तरह हम क्या करने वाले हैं, हम डेली यही करेंगे, हम पूरा टेस्ट डिस्कस करना इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो हम रोज़ ऐसे ही, रोज़ किसी दिन हम क्लोज टेस्ट डिस्कस करेंगे, किसी दिन हम पैसेज डिस्कस करेंगे, तो हम रोज़ कुछ ना कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते रहेंगे। आज के टेस्ट में से जो चीज़ डिस्कस करने के लिए थी वो यही थी, बाकी जो क्वेश्चंस हैं इनकी एक्सप्लेनेशन आपको आपकी आंसर की के अंदर मिल जाएंगी। तो आज के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फ्रेंड्स।